हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं आपको प्राविधुतांक के बारे में पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में अपन ने कूलॉम के नियम पर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे और अब स्टार्ट कर रहे हैं पर प्राविधुतांक और प्राविधुतांक के न्यूमेरिकल। और प्राविधुतांक क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करता है, इसमें क्या डिफरेंट है वो बताएंगे अपन यहाँ पर। तो देखिए, कूलॉम का नियम आपने जो पढ़ा है, तो कूलॉम का नियम में क्या था कि जब कोई वस्तु दो आवेश निर्वात में रखे होते हैं तो उन पर लगने वाला बल कितना होता है। जैसे माना कोई दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात में रखा है तो उन पर प्राविधुतांक पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? प्राविधुतांक टॉपिक है, इसको पढ़ रहे हैं अपन, है ना, ध्यान रखना। तो देखो, उन पर लगने वाला बल कितना होगा। जैसे माना दो आवेश है Q1 Q2, तो यहाँ पर देखो लगने वाला बल कितना, मान लो F, ये क्या मान लो 1/4πε0, ये क्या मान था, निर्वात में रखा है इसलिए ε0 लिखा है मैंने, मतलब निर्वात की इफेक्ट से विद्युतशीलता। और यहाँ पर कौन सा आवेश है, Q1 व Q2, और कितनी दूरी पर, मान लो r दूरी पर रखे हुए हैं। माना कोई दो आवेश है तो Q1 और Q2 है, निर्वात में रखा है तो उन पर लगने वाला बल कितना है, f = 1/4πε0 Q1/Q2, समीकरण नंबर 1 इसमें रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हुए हैं। और इन्हीं आवेशों को मतलब माध्यम चेंज कर दिया अपन ने। जैसे अब पहले निर्वात था तो अब क्या रखेंगे अपन, कोई अन्य माध्यम ले लेते, जैसे कांच ले लिया, अभ्रक ले ली, कुछ भी ले सकते हैं अपन, को अन्य माध्यम चेंज कर दिया। पहले हवा में रखा हुआ था, निर्वात में रखे हुए थे दोनों आवेश, अब माध्यम चेंज करने पर उसके बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज को अपन चेक करते हैं। तो देखो यहाँ पर इन्हीं आवेश को अन्य माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखने पर कार्यरत बल, उतनी ही जितनी पहले दूरी थी ना आर, उतनी ही दूरी पर रखने पर कार्यरत बल, इसका मान देखते हैं। तो अब यहाँ पर अन्य माध्यम है तो Fm से शो करते हैं इस मान बल को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 मत लिखना, नोट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वहाँ पर निर्वात था, इसलिए मैं अपने ε0 से शो कर दिया, लेकिन यहाँ पर अन्य माध्यम है तो यहाँ पर ε0 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास दोनों आवेश वही है Q1 और Q2, दूरी वही है जो आर इसकी थी, जितनी दूरी पर ये रखे थे उस माध्यम में निर्वात में, उतनी दूरी पर ये रखे हुए हैं, तो समीकरण नंबर 2 ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो समीकरण नंबर 1 में 2 का भाग देने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास f अपॉन fm हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² अपॉन क्या हो जाएगा, 1/4πε0 नहीं आएगा इसमें, नोट नहीं है, एप्सिलॉन लिखेंगे ओनली, क्योंकि अन्य माध्यम है, यहाँ पर क्या है अन्य माध्यम, वहाँ पर क्या था निर्वात में रखा हुआ था, यहाँ पर कोई अन्य माध्यम रख दिया तो एप्सिलॉन लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और r² तो यहाँ पर देखो ये कट जाएगा आपके पास, 4π से 4π कट जाएगा, तो बचेगा कितना अपने पास, f/fm/1/0 ऊपर वाले बचेगा और 1/ ऊपर इसमें बचेगा, तो f/fm बराबर क्या जाएगा आपके पास, ऊपर चल जाएगा तो ε0 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये अन्य माध्यम की विद्युतशीलता है और ये अन्य माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, और ये क्या है निर्वात माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, जो उसके बाद अगर अपेक्षित विद्युतशीलता हो जाएगी ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये मान हो जाएगा। तो आपके पास प्राविधुतांक की जो परिभाषा होगी, देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, कि माना कोई दो आवेश है Q1 और Q2 निर्वात में रखे हुए हैं, तो निर्वात रखने पर उन पर लगने वाला बल कितना होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 / r² निर्वात में, कूलॉम के नियम से हो जाएगा। और इन्हीं आवेशों को
इन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर किसी अन्य माध्यम में रखना है और आवेश वो क्या वही है, ओनली माध्यम चेंज कर दिया अपन ने, जैसे मान लो निर्वात था उसके जगह पर कोई अन्य माध्यम ले लिया है, तो अन्य माध्यम लेने पर जैसे अपन ने क्या रख दिया, उतनी इन्हीं आवेशों को अन्य माध्यम रखा है, क्या रखा है अन्य माध्यम में रखा है, तो उनके अन्य माध्यम रखने पर ऊपर कार्य बल कितना होगा, जीवाल हो जाएगा। अब दोनों और बलों का अनुपात कितना होगा वो देखते हैं अपन, तो ये आपके पास समीकरण में भाग देने पर ये आ गया आपके पास, तो यहाँ पर दोनों बलों का जो अनुपात है वही क्या कराएगा परावर्तन कहलाएगा, यहाँ पर क्या कहलाएगा, या दो को काटने पर यहाँ पर क्या हो गई, ये अन्य माध्यम की दूषितता हो गई, निपेक्ष दूषितता हो गई, ये निर्वात की निपेक्ष दूषितता हो गई, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है आपेक्षिक दूषितता भी कहलाती है, तो आपेक्षिक दूषितता इसके बराबर होगी परावर्तन के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा होगी वो क्या होगी कि यहाँ पर अपने पास जो आया परावर्तन वो क्या आया कि एफ अपॉन एफ एम वो किसके बराबर है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जो किसके बराबर होगी एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पर देखो आपके पास है परावर्तन, उसकी परिभाषा क्या होगी, परावर्तन की परिभाषा क्या होगी कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर उनके मध्य कार्यरत बल, कौन सा निर्वात में रखने वाला बल है, निर्वात में रखने पर उनके बीच में कार्यरत बल, तथा ये कौन सा बल है अन्य माध्यम, तथा अन्य माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर कार्यरत बल, तो यहां पर क्या होगा कार्यरत बल का अनुपात मतलब दोनों बलों का हो गया ना, निर्वात माध्यम रखने पर उन पर कार्यरत बल तथा अन्य माध्यम में रखने पर कार्यरत बल का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अनुपात परावर्तनांक कहलाता है, जो अपन ने कहलाता है अभी ज्ञात किया था, परावर्तन ज्ञात किया था माध्यम में रख रख के अन्य माध्यम में रखे गए निर्वात में रख रख के अपने निकाला था इसको, ठीक है। ये आपके पास ये है कि यहाँ पर ये भी है कि आपेक्षिक विद्युतशीलता मतलब क्या होगी कि अन्य माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता का बता दिया था मैंने कल, विद्युतशीलता क्या होती है और अन्य माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता हो गई, और नीचे कौन सी है निर्वात की निरपेक्षशीलता, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाती है। तो ये तो हो गए परावर्तन और ये हो गया आपेक्षिक विद्युतशीलता, और आपेक्षिक विद्युतशीलता किसके बराबर होती है परावर्तन के बराबर होती है। तो यहां पर देखो जो अपने पास निर्वात की निरपेक्षशीलता होगी वो कितनी होती है, निर्वात की कितनी होती है एक होती है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर भी निर्वात होगा तो एप्सिलॉन नॉट कटेगा क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, कांच की कितनी होती है तीन से लेके पांच तक होती है, ठीक है, और अभ्रक की होती है पांच से दस तक, ठीक है। आशुद्ध जल का परावर्तन कितना होता है 80, और धातु का कितना होता है अनंत होता है। तो सबसे कम आप परावर्तन किसका होता है निर्वात का, सबसे अधिक किसका होता है धातु का होता है, सबसे अधिक होता है परावर्तन किसका धातु का, और सबसे कम निर्वात का होता है यहाँ पर। तो इस तरह से होता है परावर्तन। तो परावर्तन की परिभाषा बता दी कि किन्हीं दो आवेशों को अन्य माध्यम में रखने पर उनके बीच में कार्यरत बल, या किन्हीं दो आवेशों को
निर्वात प्रकरण उनके बीच में कार्यरत बल तथा उन्हीं आवेशों को अन्य माध्यम में रखने पर और उतनी दूरी पर रखने पर कार्यरत बल का अनुपात क्या कहलाता है? प्रावेगांक कहलाता है, जो अपन ने अपनी सॉल्यूशन से निकाला था। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं अपन। जैसे इसका न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट कि माना किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रखने पर कार्यरत बल दो इंटू 10^-7 न्यूटन लगता है तो इन्हें छह प्रावेगांक वाले माध्यम में रखने पर कितना बल अनुभव करेगा। देखो आपके पास है दो आवेश है, किसमें रखे हुए हैं? निर्वात में रखे हुए हैं, और निर्वात में रखने पर कार्यरत बल कितना लग रहा है उनके पास? 2 × 10^-7 और इन्हें 6 प्रावेगांक माध्यम में रखने पर कितना बल लगेगा? तो आपके पास ये फॉर्मूला याद है ही कि एफ बराबर क्या होता है आपके पास? एफ एम, और किसके बराबर होता है? प्रावेगांक के बराबर है कि नहीं? आपके पास मान रखो तो आपके पास पता है एफ का मान कितना देर का, आपके पास निर्वात वाले बल का मान कितना देर का है? 2 × 10^-7 न्यूटन, ठीक है। प्रावेगांक कितना दे रखा है? 6, तो मान रख दो इसका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 10^-7 बटा एफ एम बराबर कितना हो जाएगा? 6, तो कितना जाएगा आपके पास आंसर इसका? तो एफ एम बराबर कितना जाएगा आपके पास? कितना जाएगा? 2 × 10^-7 बटा 6, 2 × 3 = 6, तो कितना जाएगा? 3.2 भाग देंगे तो 1/3 × 10^-7, तो कितना जाएगा आपके पास? फिर बराबर कितना जाएगा? कितना जाएगा? 1/3 का भाग देंगे तो किसका आ जाएगा? 0.3 × 10^-7 बल लगेगा यहाँ पर। कब? उसको जब 6 प्रावेगांक माध्यम में रखने पर, ठीक है। दोबारा बताता हूँ मैं न्यूमेरिकल एक बार कि किन्हीं दो आवेश है निर्वात में रखने पर उनके बीच में कार्यरत बल कितना है? 2 × 10^-7 न्यूटन लगता है, और इन्हीं आवेशों को 6 प्रावेगांक माध्यम में रखने पर कितना बल अनुभव करता है? तो आपके पास पता है कि F बराबर FM, देखो यहाँ पर प्रावेगांक का फॉर्मूला है, F ऊपर F किसके बराबर है? या तो आपेक्षिक विशीलता के बराबर या आपेक्षिक प्रावेगांक के बराबर। तो यहाँ पर देखो F ऊपर F किसके बराबर है? FNR के बराबर है। F का मान पता है अपन को, ये रहा। FM का मान कितना है पता नहीं है अपन को, ज्ञात करना है। और FNR का मान कितना है? 6 दे रखा है मान रखा, तो आपके पास देखो आपके पास कितना हो जाएगा? एफ एम का मान कितना? 6 नीचे आ जाएगा बटे में, काटा 2 × 10^-7, तो कितना जाएगा? 0.3 × 10^-7 आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपके पास प्रावेगांक ज्ञात होता है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।